हेलो फ्रेंड्स, मैं उपवन और आप देख रहे हैं टेक क्रैकर। आज हम देखेंगे पांडा गेम पैड प्रो को कैसे एक्टिवेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ये लिंक पे आपको जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक्टिवेटर फॉर विंडो, अगर आप विंडो से एक्टिवेट कर रहे हैं तो आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है, और आप मैक से एक्टिवेट कर रहे हैं तो आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है। तो मैं विंडो से कर रहा हूँ, तो ये फाइल पे मैं क्लिक करूँगा। एक्चुअल मैंने अभी ये डाउनलोड कर दिए, तो आप लोग डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आपको वो फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। डायरेक्ट ओपन नहीं करना है, ऐसे एक्सट्रैक्ट करना है उसको, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको आपके मोबाइल पे गेम पांडा प्रो ऐप ओपन करना है। वहाँ पे नीड एक्टिवेशन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको एक्टिवेट फ्रॉम विंडो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एनेबल डेवलपर ऑप्शन में, वहाँ पे अबाउट फोन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अभी बिल्ड नंबर पे 7 टाइम्स क्लिक करना है ताकि आपका डेवलपर मोड ऑन हो। यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना है मोबाइल का, और बैक जाना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपर मोड ऑन हो चुका है। अभी आप डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको ताकि हम यूएसबी डेबिंग ऑन कर सके। अभी नीचे स्क्रॉल करना है आपको। नीचे स्क्रॉल करते वक्त आपको डेबिंग में यूएसबी डेबिंग ऑप्शन, ये जो है, इसको ऑन करना है। ओके, अभी बैक जाना है आपको। बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सब ऑन हो चुका है, और अब वो बोल रहा है आपको पीसी से कनेक्ट करना पड़ेगा आपका फोन। तो आपको अभी आपका फोन पीसी से कनेक्ट करना है। फिर ये जो फाइल है जो हमने डाउनलोड की थी उसे ओपन करना है। आपका फोन आपको अभी पीसी से कनेक्ट करना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने अब मेरा फोन पीसी से कनेक्ट किया है। अभी आपको एक्टिवेट डॉट बैट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अलाउ यूएसबी डेबिंग ऑलवेज और अलाउ पे क्लिक करना है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा गेम पांडा प्रो एक्टिवेट हो रहा है, और अभी स्टेटस आएगा, देखिए एक्टिवेट हो चुका है ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू।